करते, ये जबरदस्ती अपना दास बनाना चाहते हैं। अरे जब तुम 3% इतना आतंक मचा सकते हो गोली बंदूकों के दम पर, तो इनके पास क्या बाजू नहीं है? इनके पास जब ये कावड़ लेने जाते हो तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये अधिकार लेने आते हैं तो ये उन्हें बुरे क्यों लगते हैं भाई? इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ भाई, ब्राह्मणवाद में औरत को पैर की जूती माना गया और मैं एक औरत को पैर की जूती कैसे मानती हूँ अपने आप को? मैं भी इसी विचारधारा के चलते मणिपुर में 2 औरतों को नंगा घुमाया गया, परेड निकाली गई है। ऐसे घटिया बात को, ऐसे घटिया ब्राह्मण बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में कब्र खोद गए थे। सरकार दोगली विचारधारा चलाती है, इस देश के आदिवासी दलितों के साथ शोषण की राजनीति करती है, और इस देश के अंदर 3% लोगों के लिए, इस देश में जो चुटियाधारी लोग हैं उनके लिए सुविधा की राजनीति करती है, उनको गुंडागर्दी करने की भी छूट देती है, उनको गोली चलाने की भी छूट देती है, और इनको मुंह में निमाला स्वाभिमान और सम्मान से खाने की भी छूट नहीं देती है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। दोस्तों, मैं हूँ इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जहाँ पर भीम आर्मी के द्वारा ये मंच सजाया गया है, जहाँ से चंद्रशेखर आजाद जो है संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को। लेकिन एक चर्चित चेहरा जो कि हमारे सामने है, निर्देश सिंह, इनको हम बहुजन शेरनी कहते हैं, ये लगातार ब्राह्मणवादी पाखंडवादियों के ऊपर प्रहार करती रहती हैं, साथ ही साथ बीजेपी के तानाशाही रवैयों को लेकर भी एक कड़ा जवाब देती हैं। तो हम इनसे कुछ जो है कि सवाल करने वाले हैं, अब देखते हैं कि बहन का क्या जवाब होता है। तो निर्देश सिंह जी हैं और हम इनसे पूछने वाले हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर ये क्या सोचती हैं? जब भी इस देश में दमित जातियां, शोषित जातियां उठकर स्वाभिमान की बात करती हैं, तब तब उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, और दबाने की कोशिश में वो गालियां दे सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, या आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, और जब इससे भी आप नहीं रुकोगे तो वो गोलियां चला सकते हैं, यानी कि वो आपको रोकने के लिए किसी भी अपराध को करने के लिए तैयार है, वो कानून को तोड़ने तैयार है। आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि दलित तो व्यक्ति नेता बने, वो क्यों चाहते हैं कि सिर्फ वो मजदूर ही रहे? देखिए, दलित जब तक गुलाम रहेगा उनका राज चलता रहेगा, दलित जब राजा बनने लगेगा तो उनको नीचे आना पड़ेगा। वो सीधी व्यवस्था नहीं चाहते, वो संविधान का राज इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको खड़ी व्यवस्था चाहिए, उनको अपना राज ऊपर चाहिए। देश में लोकतंत्र है, फिर ये लोग बंदूकों से लड़ाई लड़ना क्यों चाहते हैं? क्यों वैचारिक लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? देखिए, जितना भी इस देश का बहुजन समाज है, आदिवासी है, वो संविधान की लड़ाई लड़ता है, और ये हिंसा की लड़ाई लड़ते हैं, ये जबरदस्ती की लड़ाई लड़ते हैं, ये जबरदस्ती अपना दास बनाना चाहते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी गुलामी हमें यार, हमें गुलामी को फेंक देना चाहते हैं, क्यों चिपका रहे हो हमारे ऊपर? बहुत तुमने 5000 वर्ष शोषण कर लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तुमने बर्दाश्त नहीं किया, ज्योतिबा फूले को बर्दाश्त नहीं किया, छत्रपति साहू जी महाराज को बर्दाश्त नहीं किया, आज तुम इस देश के अंदर काशीराम साहब को बर्दाश्त नहीं किए, इस देश में सावित्री फूले को बर्दाश्त नहीं किए, तो चंद्रशेखर हम जैसे जितने भी जवान खोलने वाले लोग उनको बर्दाश्त कैसे कर लेंगे? ये तो सीधी सी बात है, गूंगों में जवान आएगी तो उनका स्वाभिमान टूटेगा। चंद्रशेखर आजाद जी पर जब हमला हुआ उससे पहले ही कुछ लोगों ने वीडियो जारी करके बेकायदा चंद्रशेखर आजाद जी को धमकिया दिया, आपको क्या लगता है इन हमलावरों के पीछे किसी और का हाथ है? सरकार मौन संरक्षण देती है ऐसे लोगों को, पहले अपराध कराने के लिए इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग सारा आइडिया देते हैं, उस आइडिया को जमीनी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद फिर सरकार उनको मौन समर्थन देकर सुरक्षा देती है। जब ऐसे अपराधियों को आप गुंडाई करने के लिए छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए लाखों लोग यहाँ खड़े हैं, अगर ये भी उनको उसी भाषा में जवाब देने लगे तो देश में कितनी गंदी हिंसा खड़ी हो जाएगी, क्या देश के अंदर कोई बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे जब तुम 3% इतना आतंक मचा सकते हो गोली बंदूकों के दम पर, तो इनके पास क्या बाजू नहीं है? इनके पास क्या पैर नहीं है? लेकिन नहीं, ये लोग संविधान की शरण में हैं, ये लोग संविधान को मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, ये सब में प्रेम करने का, ये किसी पर नफरत नहीं करते, बस ये चाहते कि इनसे कोई नफरत ना करे, ये किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करते, बस ये चाहते कि इनके साथ असमानता का व्यवहार ना हो, तो इनका अपराध है क्या? हाँ, ये इनका अपराध है, बस यही इनका अपराध है कि ये स्वाभिमान की बात करते हैं। जब ये इनके लिए लाइन में खड़े होते हैं, धर्म की वो बजाते हैं, जब इनका धर्म बढ़ाते हैं, जब ये कावड़ लेने जाते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये अधिकार लेने आते हैं तो ये उन्हें बुरे क्यों लगते हैं भाई? जैसा कि हमको पता चला है कि ये जो आंदोलन है चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, ये उनको सिक्योरिटी को लेकर है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है, नहीं देती है सरकार, तब क्या होगा? तो क्या होगा, इस दिल्ली को ये लोग फिर से जाम कराएंगे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाथरस में हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ, इससे सीधा सीधा सरकार का जो गंदा रूप है वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सरकार दोगली विचारधारा चलाती है, इस देश के आदिवासी दलितों के साथ शोषण की राजनीति करती है, और इस देश के अंदर 3% लोगों के लिए, इस देश में जो चुटियाधारी लोग हैं उनके लिए सुविधा की राजनीति करती है, उनको गुंडागर्दी करने की भी छूट देती है, उनको गोली चलाने की भी छूट देती है, और इनको मुंह में निमाला स्वाभिमान और सम्मान से खाने की भी छूट नहीं देती है। क्या लगता है आपको चंद्रशेखर आजाद जी को मिलना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल मिलना चाहिए, नाचने गाने वालों को मिल रहा है देश के अंदर सिक्योरिटी, तो भाई देश की बहन बेटों की इज्जत बचाने वालों को क्यों सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए बिल्कुल। आप लगातार ब्राह्मणवाद करती हैं हमला, तो मैं थोड़ा सा आजकल बेचारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी किया है, उस पर क्या कहेंगे? इसीलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ भाई, ब्राह्मणवाद में औरत को पैर की जूती माना गया और मैं एक औरत को पैर की जूती कैसे मानती हूँ अपने आप को? एक मणिपुर में अभी वीडियो एक घिनौना, अभी इसी विचारधारा के चलते मणिपुर में दो औरतों को नंगा घुमाया गया, परेड निकाली गई है। ऐसे घटिया बात को, ऐसे घटिया ब्राह्मण बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में कबर खोद गए थे, लेकिन ये बहुजन समाज अब धीरे धीरे जाकर के पूरी कबर खोद देगा और ये उठ नहीं पाएगा, ऐसी कबर खोदेगा इस बार। दोस्तों इसीलिए हम निर्देश सिंह जी बहन को बहुजन शेरनी करते कहते हैं, इनकी गरज आप समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट वीडियो जरूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है भाई, लेकिन आप लोगों के लिए हमारी भी मेहनत कुछ नहीं है।